प्रशासन के प्रतिबंध और पुलिस की लगातार कार्रवाई के बाद भी शहर में नायलॉन मांझा बेचने वाले आदत से बाज नहीं आ रहे। ऐसे में शुक्रवार को शहर पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 7 थाना क्षेत्रों में एक साथ कार्रवाई की और 9 आरोपियों के पास से 2,06,000 रुपए का नायलॉन मांझा जब्त किया। सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपियों को तांडापेट निवासी लक्ष्मण शंकर उमरेडकर, भगवान नगर निवासी मयूर सुनील देशमुख, चंदन शीश नगर निवासी अमोल श्यामराव जी शिरसागर, ओम नगर निवासी देवेंद्र रमेश चौधरी, शांति नगर रोड निवासी नीलेश नरेंद्र भानरकर, केजीएन सोसाइटी निवासी शिव अमृतलाल पटेल और हिंगना निवासी सूरज पुरुषोत्तम पराडकर का समावेश है। क्राइम ब्रांच ने क्रमशः पाचपावली और वाड़ी थाना क्षेत्र से 2, अजनी हुडकेश्वर सक्करदरा गिट्टी खदान और हिंगना थाना क्षेत्र से 1-1 गिरफ्तारी की। सभी पर विभिन्न धाराओं में मामले दर्ज कर जांच शुरू की है। यह कार्रवाई शहर पुलिस आयुक्त मितेश कुमार, अपर पुलिस आयुक्त सुनील फुलारी, डीसीपी चिन्मय पंडित के मार्गदर्शन में पीआई प्रदीप राय नावार, एपीआई पवन मोरे, ईश्वर खोरडे, रामचंद्र कारे मोरे, श्याम अंगुतलेवार, विजय श्रीवास, दशरथ मिश्रा, अनिल जैन, मिलिंद चौधरी, टप्पूलाल चूटे, तायवाड़े, सतीश पांडे, अनिल बोटरे, मंगेश मडावी, दीपक लाकड़े, वर्षा हटवार आदि ने की। नायलॉन मांझ्याची विक्री करणारे, जवळ बळणारे किंवा त्याचा वापर करणारे यांच्यावर कारवाई करण्याचे निर्देश माननीय पोलीस आयुक्त श्री अमितेश कुमार सर तसेच डीसीबी डिटेक्शन सर यांनी दिलेले आहेत। त्या पार्श्वभूमीवर गुन्हे शाखेकडून मोठ्या प्रमाणावर कारवाई करण्यात येत आहे। काल गुन्हे शाखा युनिट 3 यांनी एकाच दिवशी 7 पोलीस स्टेशन अंतर्गत कारवाई केलेली आहे। त्याच्यामध्ये पोलीस स्टेशन पाचपावली, हुडकेश्वर, सक्करदरा, अजनी, गिट्टीगदान, वाडी आणि पोलीस स्टेशन MIDC या पोलीस स्टेशनचा समावेश आहे। या 7 पोलीस स्टेशनमध्ये 7 गुन्हे दाखल करण्यात आलेले असून आरोपींना अटक केलेली आहे। या कारवाईमध्ये सुमारे 2 लाखाचा मुद्देमाल जप्त केलेला आहे। कॅमेरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ दिशा हटवार, BCN न्यूज नागपूर।